टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर एक, दोस्तों दुनिया के कई देशों में अभी ड्राइवरलेस कार तक नहीं आई है, लेकिन सिडनी तो दुनिया से एक कदम आगे ही निकल गया। सिडनी ने कुछ ही दिन पहले ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया है और आपको जानकर खुशी होगी कि यह मेट्रो ट्रेन मेड इन इंडिया है। नंबर दो, जहां अभी तक पूरी दुनिया में ट्रेन्स इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं पहुंच पाई, वहीं नीदरलैंड में ट्रेन्स अब विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा से चलना आरंभ हो चुकी हैं। नीदरलैंड में प्रतिदिन 6 लाख से भी अधिक लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं और इतने लोगों को सफर कराने वाली सभी ट्रेन्स विंड एनर्जी पर ही चलती हैं। एक पवन चक्की से 1 घंटे में इतनी ऊर्जा बनती है कि वह एक ट्रेन को 194 किलोमीटर तक चला सके। क्या कभी भारत में भी ऐसा हो सकता है? नंबर तीन, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950 के दशक की शुरुआत तक सिगरेट को एक हेल्दी प्रोडक्ट बोलकर बेचा जाता था, क्योंकि 1950 तक डॉक्टर्स ने फेफड़ों के कैंसर के कारण की खोज नहीं की थी, इसीलिए सिगरेट कंपनी सिगरेट को हेल्दी प्रोडक्ट बोलकर ही बेचा करते थे। नंबर चार, मित्रों आपने यह कई बार सुना होगा कि दूसरों के हिस्से को खाना अच्छी बात नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि US ओक्लाहोमा में एक ऐसा कानून है कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के खाने से एक बाइट भी खाते हैं तो आपको इसके लिए जेल तक जाना पड़ सकता है। नंबर पाँच, दोस्तों हमें कमर के बल सोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कमर के बल सोने की यह पावर सिर्फ इंसानों के पास ही है। पूरी दुनिया में लाखों तरह के जीव मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जीव अपनी कमर के बल नहीं सो पाता। नंबर छः, केनिया के एक चर्च में नए साल की शुरुआत करने के लिए कई लोग मौजूद थे, लेकिन इसमें मौजूद पादरी गॉड से नए साल का आशीर्वाद अनलॉक करवाने के लिए पैसे मांगने लगा। पादरी जेम्स मुगो ने चर्च के सभी मेंबर से 16,000 रुपए की मांग की। जब लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया, तब पादरी ने लोगों को धमकी दी कि वह नए साल की ब्लेसिंग को रोक देगा और साल 2022 में सभी लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन तभी लोगों ने गुस्से में आकर उस पादरी को ही पीट दिया। नंबर सात, दोस्तों ऑनलाइन कई अजीब चीजों को आपने बिकते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश सिंगर जेम्स ब्लंट ने एक बार ईबे पर अपनी बहन को ही बेच दिया था। यह घटना 2009 की है, जब उन्होंने ईबे पर अपनी बहन को ऑक्शन के लिए डाल दिया था। दरअसल जेम्स की बहन को एक अंतिम संस्कार में आयरलैंड पहुंचना था, लेकिन उस दिन एयरलाइंस वाले हड़ताल पर थे, जिसके बाद ईबे पर जेम्स ने इसका सलूशन ढूंढा और उन्होंने ईबे पर अपनी बहन को ऑक्शन डालते हुए लिखा कि जो कोई भी उनकी बहन को आयरलैंड ले जाएगा तो उसकी बहन उनके साथ डेट पर जाएगी। इसके बाद कई लोगों ने इस ऑक्शन में बिड लगाई। एक व्यक्ति ने जिसके पास हेलीकॉप्टर था, उसने वह ऑक्शन जीत लिया। फिर वह उसे आयरलैंड ले गया और इसके बाद डेट पर गए। फिर बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। नंबर आठ, दोस्तों जापान ने सारी दुनिया को हैरान करते हुए एक रेल बस व्हीकल बना डाला है। यह ड्यूल मोड बस है जो सड़क और रेल की पटरी दोनों पर चल सकती है। दरअसल इसमें सड़क पर चलने के लिए रबड़ के टायर हैं, जबकि पटरी पर चलने के लिए लोहे के चक्के भी लगाए गए हैं। इसमें एक साथ 21 लोग यात्रा कर सकते हैं। नंबर नौ, दोस्तों इस महिला ने अपने फ्लैट को बेचकर करोड़ों रुपए छाप लिए हैं। इनका नाम है स्टेफनी माटो, जो कि एक अमेरिकी यूट्यूबर और मॉडल है। यह महिला अपने पाद को जार में बंद करके बेचती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेफनी अभी तक अपना पाद बेचकर 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा चुकी है। नंबर दस, दोस्तों आखिर रूस क्यों कर रहा है यूक्रेन पर हमला? क्योंकि हाल ही में यूक्रेन ने नाटो संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि यूक्रेन बहुत महत्वपूर्ण देश है रशिया के लिहाज से। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो अमेरिका कई तरह से रूस पर दबाव डाल सकता है। दोस्तों आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।